कहना चाहता हूँ कि मैं सभी जगह न्याय की मांग को लेकर के हम यहाँ देवघर से दिल्ली जंतर मंतर पर आए धरना देने के लिए, और ये मैं इसलिए कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह सचिव को, तीनों को मैंने पत्र दिया और ये दिए प्रधान, ये राष्ट्रपति का लेटर भी मुझे मिला और ये झारखंड सचिव को, और उसके अवैध में भी कोई काम नहीं हुआ। मेरा मकान कोरोना काल में जो सुखदेव यादव ने हड़प लिया, पूरे मकान के पूरे सामान के साथ, जिसका मैंने FIR दर्ज करवाया कुंडा थाना देवघर में, इसका आज 1.5 साल हो गए मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, ना वो गिरफ्तार हुआ ना कुछ हुआ। वो दबंग ये पत्थर माफिया, भूमि माफिया है, और उसके प्रशासन से सांठगांठ होकर के और कुछ ये सत्ता पक्ष के लेकर के उसको आज तक कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है। क्या वो हेमंत सोरेन के आदमी है क्या? अब पता नहीं हेमंत सोरेन का आदमी है या नहीं। मैंने हेमंत सोरेन जी से भी खुद मिला और हेमंत सोरेन जी ने आश्वासन दिया था कि इसकी मैं जांच कराऊंगा, इसको आपको न्याय दिलाऊंगा, और फिर वो आज 4 महीने से 6 महीने हो गए अब तक कुछ नहीं हुआ। फिर मैं दोबारा उनको लेटर भी लिखा हेमंत सोरेन जी को, भाई रजिस्ट्री दिया, भाई हैंड टू हैंड हाथों हाथ भी दिया, फिर गृह ये महासचिव से सुखदेव यादव, सुखदेव सिंह से महासचिव जो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी, उनसे भी जाके मैं मिला राष्ट्रपति का लेटर लेकर के, उन्होंने सब बातें सुनी, फिर मेरे पूरे कागज पत्र लेके बोलता ठीक है मैं जांच में भेजता हूँ। और जांच किए हुए भी आज 5-6 महीने हो गए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, बात जाँच कर करके तारीख दे के निपटा दिए। मैं इससे कहाँ, कब तक मैं बाहर में घूमते रहूँ? उनके गुंडे मुझे धमकी देते हैं कि आप यहाँ से तुम चले जाओ राजस्थान, अगर कोर्ट कचहरी कहीं भी बाजार में दिखोगे तो मार दिए जाओगे। नहीं, आप जो है क्या ना कोर्ट नहीं गए क्या? हाँ, कोर्ट में इसलिए कि कोर्ट इसलिए नहीं जा सके, कोर्ट में अभी जो भी मेरा जो ये है उसमें 4 लाख रुपया ये क्या कहते हैं कोर्ट फीस लगेगा, तब मेरा केस। आप तो हाई कोर्ट जाइए ना, 4 लाख का फीस का क्या मतलब नहीं है? तो हाई कोर्ट में जब तक वो कागज मुझे जो है ये क्या कहते हैं जो FIR की कॉपी है जो कोर्ट में, अभी तक उसमें सीमित नहीं किया था, जब तक वो कोर्ट हमने गया था हाई कोर्ट में। जब आपको उन्होंने धमकी दिया जी, तो आपने पुलिस से सहायता नहीं मांगी? हाँ मांगे, कहे भी उसके, मैंने थाने में रिसीविंग कॉपी भी लिया उसका दे करके, मैंने एप्लीकेशन लिखा कि ऐसे ऐसे धमकी दिया, ऐसे ऐसे धक्का मार के चला गया, और थाना ने आज तक उन्हें ले लिया रिसीविंग करके, वो भी नहीं दिया, ज़बरदस्ती मैंने रिसीविंग लिया। कौन सा थाना था वो? नगर थाना देवघर जी। वहाँ दो बार मैंने ये किया, कभी कचहरी में धक्का मार दे, कभी कर दे, जबकि DSP के साथ वो साठ घाट किए हुए बैठता है, चाय पीता है, तो क्या करेगा हमारा? हम तो वो तो इनके साथ बैठते वो, हाँ उसको पकड़ ही नहीं सकते वो। बात जंतर मंतर पे आए हैं तो ज्ञापन किसको देंगे? अभी एक तो प्रधानमंत्री को मैंने दिया है, और कल गृह मंत्री को, और ये UPA सरकार को, हाँ कांग्रेस सरकार को, UPA सरकार को देंगे विज्ञापन।